नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग इसमें क्लास 11 चैप्टर 1 समुच्चय में एक्सरसाइज 1 देख रहे थे। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों ब्रैकेट में लिखा है सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अवयव और सदस्य एक ही चीज होते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया है सूचीबद्ध कीजिए। पहला है A इक्वल टू x, सभी x जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे, इसका जो है सूचीबद्ध जब करेंगे, विषम प्राकृत संख्या यानी विषम भी होनी चाहिए और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो सूचीबद्ध करते हैं हम लोग। तो पहली विषम प्राकृत संख्या क्या हो गई, 1, 1 के बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस हिसाब से ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लोग 3 डॉट लगा के ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, जिसको सूचीबद्ध कर लिया, 1, 3, 5, 7, 9, 3 डॉट ब्रैकेट बंद। अब सेकंड का आंसर हम लोग लिखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सभी एक्स जहां एक्स एक पूर्णांक है और एक्स की वैल्यू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी है, हमको सूचीबद्ध करना है। x क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, सभी x जहां x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू क्या है -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो 9 -1/2 से बड़ी, -1/2 के बाद क्या नंबर आएगा आपका, 0 आएगा जो पूर्णांक होगा। तो -1/2 से बड़ी नंबर क्या हो गया आपका, जो पूर्णांक है 0 हो गया। 0 के बाद क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन हमको ये देखना है कि -1/2 से बड़ी, क्योंकि अगर संख्या रेखा पे हम लोग देखें तो 0 होता है पूर्णांक, -1 होता है, -2 होता है, 1 होता है, 2, इस हिसाब से। तो -1/2 जो है आपका यहाँ पे होगा -1/2। तो -1/2 के बाद का जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन 9/2 से जो है छोटा होना चाहिए। 9/2 क्या है, 4.5, यानी 4.5 यानी 4 हो गया आपका, ये 5 यहाँ पे आपका 4.5 होगा, ये मतलब 9/2। तो 9/2 से छोटा क्या है प्राकृत संख्या, 4 है आपका। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये आपका जो है इसको हमने सूचीबद्ध कर लिया कि पूर्णांक भी है और -1/2 से बड़े भी हैं और 9/2 से छोटे भी हैं हम लोग। सेकंड का आंसर ये हो गया आपका। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, सभी एक्स, थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, ये जो आपका सी है, सभी x जहां x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 के इक्वल या उससे छोटी है। तो इसको हमको सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, x क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और x स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 से कम होनी चाहिए। x स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो यानी हम लोग अगर नंबर लाइन से देखें तो 0 होता है, फिर 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे पूर्णांक होता है, -1, -2, -3, -4, ये सारे पूर्णांक हैं। x स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल हो सकती है, यानी अगर हम लोग 3 लेंगे पूर्णांक तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 क्या है, 4 से बड़ा है, इसीलिए जो पहला नंबर आपका मिलेगा ये x की वैल्यू जो 2 होगी, फिर x की वैल्यू 1 होगी, फिर x की वैल्यू 0 होगी, फिर x की वैल्यू -1 होगी, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, फिर अगली वैल्यू क्या होगी, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये -3 जब करेंगे तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो -3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और 9 अपना क्या है, 4 से बड़ा है, उनको क्या चाहिए, 4 से छोटी। तो आपका ये हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। पूर्णांक जो है इसको हम लोग जब लिस्ट करेंगे तो c इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2।
इसके आगे के पूर्णांक 3 को अगर हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके पीछे के पूर्णांक हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट का आंसर सभी x, जहां x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसको तो कुछ नहीं करना है। L हो गया आपका, O हो गया, Y हो गया, A हो गया, फिर L आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो L को हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो ये फोर्थ वाले का आंसर हो गया। फिर फिफ्थ वाले का आंसर हम लोग देख लेते हैं। X और X जो है जिसमें 31 दिन नहीं होते, वर्ष का महीना है जिसमें 31 दिन, जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो हम लोगों को E में क्या करना है, E में हम लोग को करना है कि वो सारे जो है मंथ आपको लिखने हैं जिसमें जो है 31 दिन नहीं होते हैं, यानी 31 दिन जिन महीनों में होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे महीने को आपको लिस्ट करना है। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में क्या होता है, 31 दिन होता है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो उनको छोड़ के, यानी हमको क्या नहीं लिखना है, फरवरी, अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें क्या होता है, इनमें 31 दिन होते हैं। तो इनको छोड़ के जो बाकी बचे हम लोगों को लिख देना है। तो इसको हम लोग जब लिस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनवरी तो रखेंगे, फरवरी खत्म हो जाएगा आपका, फिर मार्च, अप्रैल भी नहीं रखेंगे, फिर मई, फिर जून भी नहीं रखेंगे, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर भी नहीं रखेंगे, अक्टूबर, नवंबर भी नहीं रखेंगे, दिसंबर। ये आपका फिफ्थ पार्ट वाले का आंसर हो गया। एक पार्ट और आपका बचा है ये कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक ऐसा, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो 31 दिन किसमें किसमें होते हैं, पहले जनवरी से स्टार्ट होता है फरवरी में, फिर मार्च छोड़ के फिर अप्रैल, एक अल्टरनेट पे चलता रहता है जिसमें 31 दिन होते हैं। लास्ट वाले पार्ट का हम लोग आंसर देखते हैं। सभी एक्स, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आने वाले सारे व्यंजन हमको लिखने हैं अंग्रेजी वर्णमाला का, और व्यंजन होने चाहिए और के से पहले। तो के से पहले जितने लेटर आते हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्वर को हटा देंगे। तो अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे फिर के, तो हम लोग के पहले वाले इतने हो गए। इसमें हमको क्या करना है, व्यंजन केवल करना है, तो ये ए को हटा देंगे, फिर ई को हटा देंगे, फिर आई को हटा देंगे, तो आपका क्या हो गया, बी सी डी जी एच और जे, ये आपका लास्ट वाले का आंसर हो गया। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन और बचा है, आंसर नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 6,
क्वेश्चन सिक्स, इसमें है बाई ओर रोस्टर, बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर लिखित और दाई ओर समुच्चय निर्माण समुच्चय निर्माण रूप में बड़े समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, बड़े समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब आपका एक तरफ जो है रोस्टर रूप में लिखा है और एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप में, और उसको जो है मिलान करना है। तो इसमें है पहला इधर लिखा है 1 2 3 6, सेकंड है 2 3, थर्ड है MAT HEICS, फोर्थ 1 3 5 7 9, और इधर दिया है आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है सभी x, जहां x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक। पहला पार्ट ए हो गया, और इधर बी क्या है, सभी एक्स जहां एक्स संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। सी पार्ट है आपका, इसमें जो लिखा है सभी x जहां x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक। डी पार्ट, सभी x जहां x MATHEMATICS मैथमेटिक्स शब्द का एक अच्छा है। इसमें हमको क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ लिखा है समुच्चय रोस्टर रूप में, और एक तरफ हमको लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपको ये करना है कि समुच्चय लिखने का तरीका जो दो होता है तरीका, एक ही समुच्चय को दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो इधर वाले एक समुच्चय इधर वाले एक से मैच कर रहे हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप से हम लोग जो है रोस्टर रूप पे जाते हैं। तो ए पार्ट को हम लोग पहले देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ए पार्ट क्या कह रहा है, तो ए पार्ट को हम लोग जब रोस्टर रूप में लिखेंगे, एक्स सभी एक्स जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक संख्याएं क्या होती है, 6 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 2 3 और 6 से डिवाइड होगा। तो 6 की भाजक लेकिन क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 6 की भाजक भी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या आपका 6 तो अभाज्य नहीं है, और आपका जो है
एक को भी अभाज्य संख्या नहीं माना जा माना जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या की जो डिफिनेशन होती है, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 का केवल और केवल एक ही जो है फैक्टर होता है 1। तो पहला पार्ट हो गया कि 6 की भाजक होते हैं 1, 2, 3, 6। 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 दो से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो 6 के कितने गुणनखंड है, 3 हो गए। 1 को जो है नहीं माना जाता, क्योंकि अभाज्य संख्या की जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होती है, परिभाषा होता है, जिन संख्याओं के केवल और केवल दो भाजक होते हैं, तो 1 का केवल एक भाजक है 1। तो ए पार्ट हो गया 2, 3 कहाँ पे मैच कर रहा है आपका, सेकंड पार्ट पे। तो ए यानी सेकंड पार्ट किससे मैच करेगा आपका, सेकंड पार्ट जाएगा ए से मैच करेगा। अब बी पार्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, सभी एक्स जहां एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से छोटी है और विषम संख्या है, तो 10 प्राकृत संख्या है, तो 9 हो गया विषम है, 10 से छोटी है, 8 जो है विषम नहीं है, तो 8 को नहीं रखेंगे, अभी पहले रख लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 9 से छोटी संख्या, 10 से छोटी है, प्राकृत संख्या है सारी आ गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए, तो सम वाले हम लोग हटा देंगे, 9 हट गया, 8 हट गया, 4 हट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 1, 3, 5, 7, 9। और दो आपको दो भी दो सम संख्या होती है, विषम चाहिए, तो 1, 3, 5, 7, 9। ये वाला बी वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है, बी वाला पार्ट आपका मैच कर रहा है फोर्थ से, तो फोर्थ वाला किससे मैच होगा आपका, फोर्थ वाला मैच होगा बी पार्ट से। अब हम लोग सी वाला देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, सभी एक्स जहां एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक क्या होती है, 1, 2, 3, 6। तो सारे भाजक आपके हो गए प्राकृत, सारे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 6, यानी ये किससे मैच कर रहा है, 1 वाले से, यानी ये फर्स्ट वाला आपका किससे मैच करेगा, सी पार्ट से। डी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, सभी एक्स जहां एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैथमेटिक्स शब्द तो हो गया आपका MATHEM आ रहा है, फिर एम को लिख चुके हैं एक बार, फिर ए आ रहा है ए को भी, फिर टी आ रहा है टी को भी, एम ए मैथमेटिक्स क्या होता है, स्पेलिंग MATHEMATICS, तो हम लोग एम लिख लिए, फिर ए लिख लिए, फिर टी लिख लिए, फिर एच लिख लिए, फिर ई लिख लिए। अब एम दोबारा आ रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, ए भी दोबारा आ रहा है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, टी भी दोबारा आ रहा है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, आई आई नहीं लिखा हम लोगों ने, आई लिख लेते हैं, फिर सी और फिर एस। तो ये किससे मैच कर रहा है आपका, थर्ड पार्ट से, तो थर्ड पार्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। थर्ड पार्ट आपका किससे मिलेगा, डी से, तो हम लोग पूरा आंसर जो आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट वाला आपका किससे मैच करेगा, ए से, सेकंड पार्ट वाला आपका मैच कर गया ए से। फोर्थ पार्ट आपका मिल रहा है बी से, फर्स्ट पार्ट आपका मिल रहा है सी से, और थर्ड पार्ट आपका मिल रहा है डी से। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना था, इसमें हमको केवल ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप पे जाते हैं, क्योंकि रोस्टर रूप जो है एक नंबर ये लिखा है, तो ये पता नहीं क्या लिखा है नंबर, उसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ये आपके एक्सरसाइज 1 खत्म है, इसके बाद आगे थ्योरी लेंगे, अब इसमें यही तरह रखते हैं।